नहीं, मैं इसको ऐसे नहीं देखता हूं। मैं देखता हूं कि कांग्रेस तो भारत के लिए थी ही, और भारत में अगर इतने से लंबे समय तक उसका शासन रहा तो यूं ही नहीं रहा होगा, और जाहिर है उसमें कुछ योग्यता गुणवत्ता तो थी। तो उसके दम पर अगर कांग्रेस लगभग 50 साल सत्ता में रही तो कांग्रेस में कुछ गुण तो है ही हैं। और अब जो है मैं उसको बदलता नहीं कहूंगा, और लगभग वही सब गुण है, उन्हीं उन्हीं गुणों की बात, उन्हीं सब की बात कर रहे हैं। और हम ये कह सकते हैं कि समय पर जिसकी बात होनी चाहिए उसकी हो रही है। जैसे नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता पाने के लिए, माने उससे पहले जब सोनिया गांधी लगभग प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गई थी, तो उनको भाजपा वालों ने जिस ढंग से प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, जो विरोध किया या जो तर्क दिए या जो कुछ आधार बनाया, वो सब जितना ढीला ढाला लचर था उसके हिसाब से उसका विरोध करना और उसको गंभीरता से लेना दोनों जरूरी था, जो भारतीय राजनीति में लगभग नहीं लिया गया। और उसके बाद जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने कांग्रेस को एक वंशवादी पार्टी के रूप में पेश किया, जबकि तथ्य ये नहीं है। तथ्य ये है कि कांग्रेस से तो लोग अलग होते गए और जो बचा वो गांधी नेहरू का वाला कांग्रेस बचा था, माने अपना ममता बनर्जी और ये क्या कहते हैं एनसीपी, तो कांग्रेस से ही अलग हुआ हुआ है। तो उसके बाद जो जो उसके बाद भी कांग्रेस सबसे मजबूत है, दोनों अलग होने के बाद भी राहुल गांधी के नेतृत्व में या सोनिया गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस बचा हुआ था वो सबसे बड़ा और सबसे मजबूत या सबसे बड़ा विरोधी दल अभी है। तो वो इसीलिए है कि इसके लोगों में दम है, या ये संगठन के रूप में बढ़िया संगठन चलाता है, लेकिन इसको नरेंद्र मोदी ने ऐसे पेंट किया या प्रेजेंट किया जैसे कि ये गांधी नेहरू के वो वंशवाद के दम पर ही टिका हुआ है। तो नेहरू, ये अब राहुल गांधी ने, मुझे लगता है कि 10 साल नेहरू मोदी जी को अपने मनमानी करने या जो वो करना चाहते थे जैसे भी करना चाहते थे, सिर्फ मोदी जी को ही नहीं पूरे संघ परिवार को पूरी छूट दी कि कर लो भाई जो करना है जैसे करना है। तो उसमें उन्होंने झूठ बोलने से लेकर बिना मतलब बदनाम करने से लेकर सब कुछ किया, और जब देश ने देख लिया कि नरेंद्र मोदी या संघ परिवार देश हित नहीं कर रहे हैं और देश की बुरी हालत है और कोई इनका मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है, जो मुकाबला करने की स्थिति में है उसको जेल में डाल दिया जा रहा है, उसके पीछे ईडी सीबीआई लगा दी जा रही है, तो राहुल गांधी ने जो मोर्चा संभाला है वो निश्चित रूप से कांग्रेस क्या होती है क्या रही है वो बताने के लिए है। और कांग्रेस वही है जो थी जिसको मोदी जी ने वंशवादी पार्टी के रूप में बदनाम करने की कोशिश की थी, उसको राहुल गांधी दिखा रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस तो यही है, वही है जो पहले थी, और वो ये वाली है, असली वाली है, ये राहुल गांधी दिखा रहे हैं और यही दिख जी, रहा है। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, पंकज। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।